हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है न्यू मॉडल बलेनो अल्फा 2022। इसमें एक DRL इसकी अभी क्लोज है, इसको ऑन करना है। आज वो हम आपको बताएंगे इसकी DRL कैसे एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करते हैं। दो हज़ार बाईस अल्फ़ा टॉप मॉडल ये बलेनो हमारे पास है। इसकी DRL अभी डीएक्टिवेट है और हमें इसकी जो है DRL एक्टिवेट करना है। तो DRL एक्टिवेट करने के लिए हमें इस लीवर का जो है हेल्प पड़ेगी। इस लीवर की करना कुछ ये है कि 5 टाइम ये जो पार्किंग वाला जो आपका हेडलाइट का है सिंबल यहाँ पे, और 5 टाइम ये लो बीम और 5 टाइम ये हाई बीम। तो पहले लो बीम तक इसको ले जाएंगे ये लीवर को, कुछ ऐसे, ये देखिए ऐसे करके 5 टाइम तक ऐसे करेंगे, उसके बाद 5 टाइम तक ऊपर कर देंगे टॉप पे, ठीक है। ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी करना है। इस प्रोसेस को करने के लिए कंडीशन है, ये कंडीशन ये है कि आपको इग्निशन पहले इसको बंद करना पड़ेगा, और तुरंत जैसे इग्निशन आप ऑफ ऑन करेंगे वैसे ही आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे भी इसका टाइम लग ले, 10 से 15 सेकंड अगर हो जाएगा या 5 सेकंड हो जाएगा, तो ये फिर से क्या नाम है, आप इग्निशन आपको ऑफ करना पड़ेगा। इग्निशन ऑन करते ही आपको ये परफॉर्म तुरंत करना है, तभी ये एक्टिवेट हो पाएगा। तो अभी मैंने गाड़ी आपको स्टार्ट की कर रखी है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि DRL अभी ऑन नहीं है। ये देखिए इसके DRL अभी ऑन नहीं है और व्हीकल मेरी स्टार्ट है, व्हीकल मेरी स्टार्ट कंडीशन में खड़ी है और DRL ऑन नहीं है। बस इसी को आज मैं आपको बताऊंगा कैसे किस कंडीशन में इसको हम ऑन कर सकते हैं। ये टॉप मॉडल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इग्निशन हम ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, तुरंत ही हम परफॉर्म करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये बीप साउंड अगर आ गया तो आप समझ लीजिए ये बीप साउंड आ रहा होगा। ये 2 बार बीप साउंड अगर आ गया तो आप समझ लीजिए आपका DRL एक्टिवेट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपको जो है DRL एक्टिवेट हुआ है, तो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ ये हुआ भी है या नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये DRL मेरे एक्टिवेट हो चुके हैं दोनों, ये DRL एक्टिवेट हो गए हैं। DRL तभी वर्क करते हैं जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो गाड़ी मेरी स्टार्ट है। ये देखिए व्हीकल मेरी स्टार्ट है और इसमें इसको हम डीएक्टिवेट भी करते हैं, वो किस तरह करते हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। चलते हैं फिर कैसे इसको डीएक्टिवेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सेम वही जो है प्रोसेस अपनाना है जिस तरह मैंने आपको ये बताया था एक्टिवेट करने में, सेम उसी तरह डीएक्टिवेट करने में भी आपको यही प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इग्निशन बंद करेंगे, फिर ऑन करेंगे, तुरंत ही ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ये बीप साउंड जो आती है तो इसका ये साइन होता है सिंबल कि आपका जो आपने परफॉर्म किया ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसमें क्या है, फिर हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं DRL मेरा वाकई में डीएक्टिवेट हुआ भी है या नहीं। तो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी थी और DRL मेरे डीएक्टिवेट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप मेरी वीडियो को देख के आप डीएक्टिवेट एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें कुछ बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। बस आज मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आपको न्यू मॉडल बलेनो अल्फा किस तरह इसमें DRL ऑन कर सकते हैं और किस तरह इसको ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू।